गाइस कैसे हो। एसएससी फेज 8 और एमपीआर रीजन और एनईआर रीजन का आप लोगों के लिए अपडेट आ गया है। तो गाइस एमपीआर रीजन के 5 पोस्ट थे, उनमें से अभी कुछ पोस्ट के जो है आप लोगों के स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुके थे, रिप्रेजेंटेशन मांगा था, उसके बाद अभी फिर से आप लोगों का फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट, जिन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला था उसके बाद इन्होंने फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट जारी कर दिया है। बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट है, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं और क्या रीजन रहे हैं स्टूडेंट के रिजेक्ट होने के। तो एमपी 10220 पोस्ट कोड थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रिजेक्शन लिस्ट है, फाइनल है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं होना है। हार्ड कॉपी नहीं रिसीव हुई और इनके पास जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं था। नीचे एक लिस्ट दे रखी है जिसमें जिनका भी नाम है, गाइज आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो, चेक कर लीजिए एक बार, जरूर बताइए कि आपका नाम है या नहीं। उसके बाद 10320 जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 13 कैंडिडेट्स जिनको रिजेक्ट कर दिया है डायरेक्ट बीटेक विदाउट डिप्लोमा, ठीक है, ये कुछ रीजन रहे, हार्ड कॉपी नहीं भेजी। और उसके बाद 7 कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अगला पोस्ट कोड है 10820, जिसमें आप देख सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में। यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस का बहुत इशू रहता है, एक्सपीरियंस जो है अलग फील्ड में है, हार्ड कॉपी नहीं भेजी है, तो एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं बट जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, इस वजह से बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं। सो आप देखो सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडिडेट इनको रिजेक्ट मतलब एक्सेप्टेड लिस्ट में है, सिर्फ 3 कैंडिडेट मिले हैं जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जल्दी शेड्यूल किया जाएगा। अगला पोस्ट कोड है एमपी 11120, यहां पर आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट जो है रिजेक्टेड है, 20, और यहां पर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इनको इस पोस्ट के लिए सुटेबल मिला हो, जो फर्दर स्क्रूटनी के लिए या प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। तो मैं आप लोगों से हमेशा बोलता ही आया हूं कि फेज सिलेक्शन पोस्ट कोई भी हो, अगर आपके पास जरूरी स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं आप, तो आप जरूर अप्लाई करिए और सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस आप सभी लोगों का अभी जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया जाएगा, सो जैसे ही आएगा मैं तुरंत आपको अपडेट दे दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, तो हर एक पीडीएफ मैं वहां पे शेयर कर देता हूं। इसके बाद जरूरी चीज, आप सभी लोगों को पता है कल परसों ही एनईआर रीजन का जो है शेड्यूल आया था, आज उन्होंने जिन पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया है। आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कोई पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई कॉल लेटर जो है, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, बहुत तरीके दिए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार बता दीजिए कब आपका एग्जामिनेशन जो है शेड्यूल हुआ है डीबी का, और जैसे ही अभी कोई अपडेट आएगा तुरंत आपको अवेलेबल करा दूंगा। सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है अभी एनआर रीजन का। गाइस आप ये समझ लो कि इस मंथ आपको आपका जो है स्क्रूटनी, ठीक है, सभी पोस्ट का मिल जाएगा एनआर रीजन का, क्योंकि इन्होंने फेज जो 7 अभी इनका चल रहा है, फेज 7 का डीबी चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने उसकी डिटेल जो है वो निकाली थी, तो उसमें मैक्सिमम पोस्ट जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। सो बस अब हमारा सिर्फ फेज 8 का जो है वही आपका प्रोसेस स्टार्ट होना है, और मेरे खुद का एनआर रीजन से पोस्ट के लिए अभी स्क्रूटनी रिजल्ट आना है। सो गाइस सभी लोग बहुत वेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी, सब्सक्राइब कीजिए हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए।